जैसे कि काली घटना का हमें जब पता लगा था तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और उसमें फिर 302 और 34 सेक्शन में जो है FIR दर्ज की थी पुलिस स्टेशन में जोड़गंज में। उसके बाद हमने कुछ लोगों को राउंडअप किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें से अभी तक 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है, आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर कितने दिन की रिमांड सर उन्हें मिली? अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जैसे कुछ होगा फिर। सर जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं उनको रात को देर कॉल काफ़ी कॉल्स भी आए, उनका ये कहना है कि पुलिस का नाम लेके उनको कॉल किया गया, हालांकि एक ही नंबर पुलिस का था, बाकी अन्य नंबरों से उनको कॉल किया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनको हम खुद ही कॉल कर रहे थे, हमारे लोग भी कॉल कर रहे थे, हम एक तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित थे और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था उनके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको भी जो भी उन्होंने शामिल कुछ और बात में बतानी थी तो उसके लिए फ़ोन हो रहा था, किसी और ने उनको सुना। सर बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया? बॉडी का पोस्टमार्टम आज हो गया है, इसकी रिपोर्ट भी हमें जल्दी ही आ रही है। सर प्रारंभिक जांच में बात करें तो क्या सामने आया, किस तरह से उसकी मौत हुई होगी? प्रारंभिक जांच में जब तक सामने आ रहा है तब तक सामने आ रहे हैं, इनकी कुछ विवाद अंदर जो रेस्टोरेंट में है उसको खाने को लेकर ही कुछ बात हुई, जिस जो विवाद बढ़ता चला गया और कुछ जो होटल रेस्टोरेंट ऑनर थे उसके अपने आप और बेटे और साथ में फिर पड़ोस के कुछ लोग और टैक्सी ड्राइवर इन लोगों ने लोगों के साथ मारपीट की। ये भी कहा जा रहा है कि शराब को लेकर भी कुछ हुआ था? जी ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कोई अभी तक तथ्य उसमें सामने नहीं है। सर कोई CCTV फुटेज भी सामने आई है? सर जी CCTV फुटेज भी हमारे पास कुछ मिली है, उसको भी निकाला जा रहा है।